दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके की मौत कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक से हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भारत में होने वाले लाइव शो पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सिंगर अर्जुन कानूनगो ने बताई है लाइव शो की सच्चाई। आपको बता दें, केके ने कोलकाता के नजरुल मंच में एक कॉलेज फेस्ट के लिए लाइव परफॉर्मेंस दी थी। इस दौरान वह काफ़ी एहसास महसूस कर रहे थे। अब सिंगर अर्जुन कानूनगो ने बताया है कि वह भी इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर चुके हैं। इस दौरान उन्हें भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अर्जुन कानूनगो ने कहा, मैंने सुना ऑडिटोरियम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। मैंने भी इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया और मेरा भी अनुभव ऐसा ही था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, वहाँ इतनी गर्मी थी, ऐसे भी काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुराने ऑडिटोरियम का अच्छे से रख रखाव नहीं किया जाता है, ये कई स्तर की समस्या है। अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट को पता था या नहीं, अगर उन्हें पता था तो उन्हें शो तुरंत बंद कर देना चाहिए था। सिंगर अर्जुन कानूनगो के इस बयान ने डायरेक्टली ऑडिटोरियम मैनेजमेंट पर निशाना साधा है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।